के कौन सा खिला रहे हो भाई अभी देख सबसे महंगा वाला भाई देख पोल पे तो आ गए। कदीर ने आपको सलमान का व्लॉग देखा? हाँ मैंने भी ये देखा दो दफा देखा। गाइस तो कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। भी आज का व्लॉग को स्टार्ट करते थे काफ़ी लेट हो गया, वो इस वजह से आज मेरी क्लास वगैरह थी नहीं, छुट्टी थी मेरी, और मैं सुबह उठा वॉक वगैरह करके आया तो बस आके सो गया। तो वॉक वगैरह करके आया था और पता नहीं क्या इतनी तेज नींद आ रही थी, अचानक सो गया पता ही नहीं चला। बस अभी उठा हूँ 2:30 बज रहे हैं और घर से निकला हूँ, थोड़ा बाहर काम वगैरह था और अब 3 बजे, आज 3 बजे स्टार्ट किया भाई व्लॉग। और सीन ऐसा है, कदीर ही कॉल आई भाई कहाँ पर हो, तो मैंने कहा बस मैं आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम था अपनी साइड पे जा रहा था, तो कदीर के आ जाओ भाई, वो कहीं खिला रहा पिला रहा है कुछ हमें, तो चलते हैं देखते हैं क्या खिला रहा है कदीर। कदीर से ही मिलते हैं और देखते हैं कौन है कदीर के साथ, कोई और भी है नहीं शायद, शफीक भी हो पता नहीं है कन्फर्म, मगर जब कदीर शफीक और मैं तीनों ही, क्लास तो हमारी है नहीं इसलिए और कोई लड़के होंगे नहीं, जब क्लास होती है तभी लड़के होते हैं, बाकी जो होते हैं ना वो दो जो हैं सईद और सम्मा जो है वो आते हैं अपना मलीर से, इसलिए वो हर बार नहीं होते। कदीर भी इधर रहता है, शफीक भी इधर रहता है और मैं भी बेरिया टाउन में रहता हूँ हम तीनों। तो ये सीन है, अब हमारी क्लास तो है सैटरडे वाले दिन, परसों क्लास है हमारी, तो बस अब सीन ऐसा है कि चलते हैं देखते हैं भाई कदीर कहाँ लेके जा रहा है, क्या खिला रहा है हमें, तो बस चलते हैं कदीर से मिलते हैं। सीन ऐसा है कि कदीर से कॉल पे बात हो गई, वो कह रहा है भाई मैं शफीक को ले रहा हूँ, वो शफीक टावर पे रहता है तो शफीक को साथ लेकर आ रहा है, तो कदीर और शफीक आ जाए, उसने बताया भाई मिडवे चलो पिज़्ज़ा वर्मा पे, तो बस मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे, वो अपनी गाड़ी में आ रहा है कदीर, कदीर वो साथ में करीब में रहते हैं, तो वो कदीर उसको लेकर आ रहा है, हम चलते हैं भाई पिज़्ज़ा वर्मा, फिर वहीं जाके मुलाकात करते हैं कदीर से। कदीर भी आ गया, वहाँ हॉर्न दे रहे हैं, इसको सुन नहीं रहा है, पता नहीं सुनता नहीं है, इग्नोर करता है, अब लग रहा है देख लिया इसने, रुक तो गया है भाई, रुक गया है भाई कदीर। ऐसा है कि पहुंच गया पिज़्ज़ा वालों पे हम लोग और कदीर और शफीक भी आ गए हमारे साथ, आगे आगे चल रहे हैं, मैं कदीर गाड़ी नहीं रोकता, देख के भी नहीं रोकता, पता है पीछे मनान आ रहा है, मैं नहीं रोकेगा गाड़ी। हाँ कदीर पास ना एक जैसी 5-6 गाड़ियां हैं, हम हाँ मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास 10 अल्टो है ना भाई, इतना बड़ा बंदा है कि इसके पास रोज गाड़ी चेंज होती है, मैं कैसे पहचानूं, एक गाड़ी हो तो बंदा समझ भी ले, और दूसरी बात सुबह से बैठे हुए थे घर बहुत बोर हो रहे थे, ठीक है फिर कॉल की तुमने मुझे, आज इन दोनों गरीबों को कुछ खिलाई दूं, कुछ अब बतमीजी नहीं करे तो आप हाँ शफीक पिज्जा खिलाने आया, देखते हैं क्या खिलाता है, पिज्जा कितने खिलाता है, क्या करते हैं, कहाँ पे आए, कहाँ पे वो ब्रांड भी दिखा दे, पिज्जा वर्मा मेरी गाड़ी भी दिखाई, मेरी गाड़ी, ये भाई इसकी गाड़ी देखना, इसकी गाड़ी अभी बहुत जेलस होते हैं यूनिवर्सिटी में भी और बाहर, यूनिवर्सिटी में भी बाहर भी बहुत लोग जेलस होते हैं मेरी गाड़ी से चलते हैं, उन्होंने देखो ये इसने भाई नया नंबर भी लगा लिया है, ये किसने उतारा है, ये भी उतारने की कोशिश की है किसी ने, अच्छा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, चले बस भाई चलते हैं अंदर खाते हैं पिज्जा। भाई कदीर आ गया, कौन सा खिला रहे हो भाई, अभी सबसे महंगा वाला भाई देखें, जिसको बंदा भाई कदीर सबसे पैसे देख रहा है, पहले कौन से पे पैसे लिखे हैं, जिसमें कम होंगे वो हाँ भाई पहले देखें, मेहमान बताते कि क्या खाना है ठीक है, लेकिन इन्होंने मेन्यू ही मेरे हाथ में दे दिया है, तो शफीक कौन सा खिला रहे हो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, वो दो आई जाएंगे, दो दो आई जाएंगे, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, में उतर रहे हैं भाई, हम तो कह रहे हैं एक ही खिला दें, ये दो की फरमाइश नहीं, चलो इनको खिला ही देते हैं आज, वैसे ही महीने का पूरा वो बजट, कौन सा फ्लेवर देखो ना कौन सा अच्छा है सबसे वो मंगाओ यार, फिर देखते हैं सर अभी देखते हैं। लेकिन ऐसा है कदीर ने पहले तो सब में देखे पैसे, पैसे देख के कदीर को एक समझ आ गया, आज खिला रहा है भाई पिज्जा खिला रहा है, और मंगाए भी ने दो पिज्जा है। हाँ कदीर कौन सा बोला है भाई, एक हमने लार्ज मंगवाया है सिग्नेचर पिज्जा सही है, दूसरा एक मीडियम मंगवाया है स्पाइसी, आई थिंक स्पाइसी स्पार्क मजेगा होगा, देखते हैं आए तो पता चले, उन्होंने कहा 20-25 मिनट जरा वेट करें, हाँ यार वो खुला अभी है ना असल में, अपनी तशरीफ असल में ये कि अभी खुला है, ये हम पहुंच जल्दी गए तो ये वजह हुई, शफीक से पूछते हैं भाई शफीक को कौन सा फ्लेवर मजा है, कदीर ने तो दो मंगवाना तो था ना, हाँ यार दोनों अच्छे फ्लेवर भाई, इन दोनों की फरमाइश थी तो मेरे ख्याल से मैंने कहा चले बिस्मिल्लाह करते हैं, बस आज अभी जब जब पैसे दे रहे होंगे तो हम एक व्लॉग में ही डालेंगे कदीर साहब बैठे हुए, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ कदीर भाई हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई शफीक मतलब पिज्जा आ गए खाते हैं, इसने कदीर ने मंगवाए दो पिज्जा, हाँ बस सही है भाई, रखे अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, हाँ भाई शेख कदीर, तो भाई अभी ये पिज्जा बोलो ये कौन सा है, अच्छा ये तो सुनो ये तो ये है, ये तो वाला है मीडियम स्पाइसी, हाँ स्पाइसी स्प्रिट, नाम भूले कोई बात नहीं, कौन सा था स्पाइसी स्प्रिट, हाँ स्पाइसी स्पार्क स्प्रिट, ये कौन सा, ये वाला ये लो ये सिग्नेचर है भाई,
इसकी आपको शक्ल। अरे वाह भाई वाह, चले अभी खाते हैं सही है, गरीबों को फिर देखते हैं। देख लो सही तो समय सही, आज दब रहा है कदीर अकेला बैठा हुआ, सही हाथ खोला हुआ इसने कदीर ने, गजब बेइज्जती है। मजेदार कर लिया है, तो अभी इनसे पूछते हैं क्या प्रोग्राम है आगे का ना। चलो हम ना भी क्या सीन, मैं तो पी रहा हूं कोल्ड ड्रिंक, अभी क्या सीन है, चलना है फ्लैग पोल पर, जैसा तुम बोलो वैसे करेंगे। फ्री हो तुम? हां फ्री तो हूं। चलो चलें शफीक से पूछते हैं। हां चलते हैं, पिज्जा खा लिया अभी फ्लैग पोल। शफीक कैसा था पिज्जा? अच्छा था माशाल्लाह। पक्की बात है? पक्की बात है। बस आपको कैसा लगा? बेहतरीन था, मगर तुमने कहा मजेगा नहीं एंड में, क्या सीन है भाई? असल में हम तो खाते रहते हैं लेकिन इन्होंने पहली बार खाया है तो साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। जरा इनको सारा चल गया, लेकिन नहीं पिज्जा अच्छा था। तो अभी चलते हैं किसी ना फ्लैग पोल वगैरह कहीं घूमने फिरने चलते हैं, इंशाल्लाह फिर आपको वो भी चीजें दिखाते हैं। और आज का पूरा दिन हमारे साथ रही है इंशाल्लाह। ऐसे के पैसे वैसे दे दिए कदीर ने? हाँ भाई कदीर ऐसे ही, हाँ भाई दे दिए सारे पैसे। गेम है भाई, बहुत बड़ा गेम है इसके अंदर, बकाया ले ले भाई। अब ये बकाया नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई ले। अब बस चलते हैं हम लोग। हाँ भाई शफीक अभी कहाँ जा रहे हैं? हम अभी जा रहे हैं फ्लैग पोल पे, और पिज्जा आज हमने खिलाया कदीर ने, तो वहाँ जाके मिलते हैं। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? बस भाई कदीर अभी रास्ता पता है फ्लैग पोल घुमाओ फिर आओगे भाई, रास्ता तुम बताना हम चलेंगे। मैं भी भाई मैं जाता तो रहता हूँ, बड़ा घूम फिर के भूल जाते हैं रास्ता। चलो भाई ये तो इसको हर रास्ता, इसको हर रास्ता पता था। गाड़ी हमने भाई अपनी इधर ही पार्क कर दी हमने, अभी कदीर निकालो गाड़ी। हाँ इन्होंने कहा कि तुम अपनी गाड़ी निकालो क्योंकि धूप ज्यादा है, मेरी गाड़ी है टिंट, इसमें अंदर से धूप इतनी ज्यादा। हाँ वैसे अभी धूप बहुत ज्यादा हो रही है भाई, इससे हमारी जो स्किन है वो भी लेकिन गोरी होती है और मुझसे बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मुझसे गदा गाड़ी में बैठता है शफीक, शफीक की स्किन देखो। हाँ भाई शफीक तो चमक रहा है, स्किन की जो राज है ना उसकी गाड़ी के टिंट। हाँ भाई शफीक तो बेरिया की और जगह तो बहुत घूमी है लेकिन फ्लैग पोल पे मैं अभी तक नहीं गया, तो चलते हैं देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस। 14 अगस्त वगैरह पे भी नहीं गए कभी तुम? जब भी इवेंट होते हैं नहीं यार, ये नहीं गया। तुम गए हो पहले? हाँ मैं तो गया हूँ, मैं भी गया हूँ। चलो आज चलते हैं ना फिर, तो आज देखते हैं। तो भाई शुक्र की सबसे बात ये है कि आज झंडा लगा, वरना क्या सीन होता है कभी, वरना भाई कभी अपनी मर्जी से हटाते हैं कभी लगा देते हैं। 10 सेकंड लगता है, 2 मिनट बाद हट जाता है पता है। और ये फ्लैग पोल तो नाम का है, इसमें अभी आज ही लगे देखा हुआ नहीं, लगा होता है तुम्हारी नजरे पता नहीं कहाँ होती, लगा तो होता है। कहाँ देख रहे हो तुम? मैं जरा पार्किंग में गाड़ियाँ जो खड़ी होती है उनको देख, गाड़ियों का बड़ा शौक है। बस अब ये पहुंच गए हम लोग और चलते हैं अंदर। तो भाई सीन ऐसा है सईद और सम्मा, ये सुन लो तुम, जब इसको मिलोगे इससे पूछना इसने इतना पिज्जा खाया ना कदीर ने, सही मंडा। हाँ भी कदीर तू इतना, हम शर्माते नहीं ना, हिजाब नहीं करता भाई, ये वैसे ही नहीं शर्माता, ये हमारे भी पिज्जा खा गया, बूटियां पकोड़े सब ये खाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई पहुंच गए हम लोग फ्लैग पोल पे, काफी हाइट है भाई इसकी, इसकी डिटेल्स लिखी हुई सारी। तो भाई जो इसकी अगर हम हाइट की बात करें सबसे पहले, तो इसकी 100 मीटर हाइट है ये देख रहे होंगे आप, और इसका जो वेट है वो 80 kg, मतलब मेरा इतना वेट होगा, वेट तो इसका कम है। देखो फ्लैग जो इसकी रेजिंग टाइम 10 मिनट है फ्लैग रेजिंग। अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं, ये पूरे पाकिस्तान का नहीं, एशिया का ये एक सबसे बड़ा फ्लैग पोल है जिसकी शेप ओबेलिस्क है, ये ओबेलिस्क रखा हुआ है बिल्कुल। बाकी दूसरे राउंड शेप में तो बहुत सारे फ्लैग पोल सबसे बड़े हैं, लेकिन ओबेलिस्क शेप जिसकी जैसे इसकी शेप है स्क्वायर टाइप, ये चेक करें भाई इसकी शेप। चले फिर शफीक अंदर। तो भाई सीन ऐसा है कि नीचे भी देखें, इन्होंने पूरा एक डिजाइन बनाया है पाकिस्तान का, व्हाइट ये किया हुआ है और ये ग्रीन एरिया किया हुआ है सारा, मून स्टार वगैरह भी बनाया हुआ, ये भी लगाया हुआ पाकिस्तान माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। फ्लैग और ऊपर ये चेक करें, ये आज अच्छा ये हुआ कि भाई फ्लैग लगा हुआ है, वरना ये उतार भी लेते हैं। और अब चलते हैं अंदर। भाई शफीक कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आयो तुम? फर्स्ट टाइम आए तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है माशाल्लाह, एंजॉय कर रहे हैं। अभी ऊपर भी चलते हैं ना? हां चलते हैं। क्या याद आ रहा है? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर। क्या याद आ रहा है? काट दूंगा। ठीक है बात सुनो भाई मेरी, पहले सबसे पहले ना कई तरीके से व्लॉग देखो, दूसरी बात ये। तो गाइस हम यहाँ पे भी पहुँच गए हैं इस फ्लिक, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है पोल पे। ठीक है, एक तो इसकी शेप बहुत प्यारी और हाइटेड लोकेशन है, अगर इसके पूरे मॉन्यूमेंट की अगर बात करें
तो इधर ग्रैंड मॉल आपको मिलती है लेफ्ट साइड पे, और इसको कहते हैं बेरिया हिल्स, जहाँ पे बेरिया टाउन ने 500 गज के विलास दिए थे और प्लॉट दिए थे। सामने इसकी लोकेशन दिखा है, सामने वो ऊपर चले ना, ऊपर चल के दिखा दे, तुम्हारे प्रोजेक्ट भी आ जाए ना सारे। तो शरीक ऊपर देखना, डर क्यों रहा, क्यों डर रहे भाई, ये हाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन नहीं नहीं गिरेगा शफीक यार, ये बस यार बस कदीर। पहले हम लोग गए थे आईफिल टावर है, और अब हम आए फ्लैग पोल पे, ये भी बेरिया टाउन में ये फ्लैग पोल, वो भी बहुत सारी चीजें हैं वहाँ भी चले, मगर ये फ्लैग पोल से भी व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, व्यू हर जगह से ही भाई आता है, बेरिया टाउन का व्यू बहुत अच्छा है। अब ये चेक करें तो पहले फ्लैग पोल का, और फिर इसके बाद ये देखें भाई, ये सारी प्लॉटिंग है, ये बेरिया हिल्स है, प्रेसेंट एड इसके साथ चल रहा है, और सामने बेरिया हाइट्स अपार्टमेंट है, जितने भी वो अपार्टमेंट है बेरिया के, इस तरफ ग्रैंड मॉस्क आ रही है, तो व्यू भाई बेरिया में जहाँ भी चले जाओ बहुत ही अच्छा व्यू आता है। हाँ कदीर ऐसे ही है ना व्यू का, भाई ऐसा है कि बैक पे मेरा व्यू चेक करें आप लोग, इधर ये है सामने, ये अली रियाज का भाई विला है, जब भी वो आते हैं इधर ही रहते हैं, और ये व्यू चेक करें सामने, बिल्कुल थीम पार्क है, वो सामने थीम पार्क है, और उस तरफ फार्म हाउस है, तो व्यू यार इधर का भी बहुत ही अच्छा, सामने सारा मिडवे कमर्शियल चल रहा है। हाँ भाई शफीक कैसा लगा कर इधर, हाँ कदीर दूसरी जगह वो भी दिखाएंगे, और ये हमारे कदीर भाई हैं स्टेट के, यहाँ के बड़े स्टेट वाले ये हैं, उसको भी साथ ही रखेंगे भाई। बात ये शरीफ भाई आज फर्स्ट टाइम है, तो लोग इंजॉय कर रहे हैं, भी अच्छा लग रहा है, ये है कि बंदा बाहर निकलेगा दोस्तों के साथ तो बहुत सारी चीज़ें इंजॉय, नहीं मैंने बेरिया सारा देखा हुआ है, सिर्फ ये नहीं देखा था, इंटरेस्ट नहीं था कोई खास, मगर अभी कैसा लगा, अभी आया अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना भाई, ये कि ऐसा है कि शफीक तो इधर आए, मगर तस्वीरें कदीर ले जा रहा है, उधर कोने पे इधर कोने पे इतनी तस्वीरें ले रहा है, मगर शफीक तो फर्स्ट टाइम, कदीर आता रहता है, अब ये सीन है थोड़ी तस्वीरें कदीर की ले लेते हैं भाई, फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे, हमने सारा दिखा दिया भाई, इतना ही है भाई इधर, ये भाई एक फ्लैग लगा हुआ है, मगर ये जब 14 अगस्त होता है 23 मार्च होता है, तो भाई इधर काफ़ी इधर होती है तकरीब वगैरह होती है सुबह, और 23 मार्च 14 अगस्त। अच्छा आपको ऐसे वीडियो में लग रहा होगा कि ये कोई छोटा फ्लैग पोल, लेकिन रियलिटी में ये बहुत बड़ा लग रहा है, और अगर इसको ऊपर देखे तो बंदा अगर 5 सेकंड 10 सेकंड इसको लगातार देखे तो आपको चक्कर आ जाए, यकीन करिए। नहीं वाकई यार ऐसे लग रहा है गिरेगा, आप जरा दिखाएं आपको वो फील नहीं आएगी जो आप रियल में आके इस चीज को एंजॉय कर सकते। तो भाई ऐसा है अभी हम लोग थोड़ा सा दूर आए, वो कैमरे में आ ही नहीं रहा इतना इसकी हाइट है, आप देखें इधर सही आ रहा है, ये चेक करें अभी प्रॉपर हाइट आ रही कदीर, अब आ रही है सही हाइट बिल्कुल, और ये देखें भाई ये रास्ता बना हुआ है जिग जैग रास्ता, ये बंद किया मैंने से, इधर से भी है मगर सारा जिग जैग रास्ता वो सामने वाला। हम लोग इधर खड़े हुए थे, आप देखें ज़रा ये भाई अली रियाज वाला विला, और इसमें ये कि जितना भी है ना ये पूरा सेपरेट किया हुआ है, इस पर पूरी बाउंड्री चली है, देखें बाउंड्री चल रही है, और हेलीपैड वगैरह भी इधर ही आता है, और ये 22-25 एकड़ में बना हुआ है। हाँ कदीर चले, शफीक बोल रहा है कि यहाँ से मैं गिरूंगा फिर भी नहीं मरूंगा, मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं, आ जाओ, मरेगा नहीं, टांग मरेगा नहीं, तुम उसके पीछे क्यों लग गए हैं, अभी क्या करें, चले इसको मिलाया ही तभी हूँ गिराने के लिए, ये अच्छा भाई मजा आया, ठीक है एंजॉय वगैरह किए, लेकिन ये कि अभी हम बाहर जा रहे हैं कहीं मिडवे की साइड ना, फिर आपसे मिलते हैं। सही है शफीक चले फिर, चलते तो भाई ऐसा है कि हम लोगों ने सारा देख लिया फ्लैग पोल, मैं तो 2-3 बार आया हुआ था, अब ये देखा हम लोग निकल ही रहे हैं यहाँ से, और फ्लैग पोल पे भी एक ही फैमिली अभी आई है, और हम लोग यहाँ से बस फ्री हो गए और अब निकल रहे हैं, तो हम दोनों साथ ही। हाँ कदीर अभी कहाँ जा रहे हैं, ये है कि पीसफुल जगह है और फैमिली के लिए ये अच्छी जगह है। हाँ अच्छा है, आप जानते हैं सोशल एक्टिविटीज होती हैं तो उधर लोग भी बहुत होते हैं, लेकिन इधर ऐसा नहीं, इधर थोड़ी कम है एनवायरनमेंट जो है वो फैमिली वाला है, वो कोई इतना लड़के वगैरह भी नहीं है, कम है, तो इसमें आप पीसफुली आके अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड। कहाँ चले अभी फिर, अभी आपको चाय पीते हैं फिर कहीं पे चाय पिलाओ यार। हाँ शफीक पिज्जा खा लिया है अभी, चाय हमें चाय पिलवाने, आज इसका जो वॉलेट है वो खाली करेंगे, आज इसका वॉलेट खा लिया तो बस समझ जाओ। लोग पहुंच गए चाय के लिए, चाय पीते हैं यहाँ पे, और ये दोनों भी बैठे हैं बातें कर रहे हैं अपनी कोई आपस में, इन लोग भी चलती रहती हैं बातें बातें, और ऐसे ही अपनी स्टडी की कर रहे हैं भाई, इनके कोर्स वगैरह का देख रहे हैं कौन सा ऐड करना है कौन सा ड्रॉप कर रहे हैं, तो बस ऐसा आ जाए वो चाय वाला। तो भाई कदीर मनान भाई का व्लॉग देख रहा है, 7 वाला मनान का व्लॉग देख रहा है, मैंने भी ये देखा 2 दफा देखा, मुझे बहुत पसंद आया था ये वाला, अच्छा वाह क्या सीन है, कदीर अभी तक नहीं देखा था, अभी देख रहा है, ये एक व्लॉग ही नहीं सिर्फ एक पूरी गाइड है कि अगर आप 7 पर जाते हैं तो किस तरीके से की तरफ पूरी। हाँ बिल्कुल, क्या लें भजन, 3 चाय कड़क चाय बिल्कुल,
बेहतरीन हो भाई, बेहतरीन चाय हो कड़क बिल्कुल। तो भाई बस चाय आ गई, यहाँ से चाय पीते हैं, काफी लेट हो गए भाई। तो भाई ऐसा है, चाय आ गई इधर, काफी लेट हो गई है भाई। कदीर के साथ पहले पिज्जा खाया, फिर फ्लैग पोल गए, अब चाय पे बैठ गए, काफी टाइम हो गया है, बस जाने आगे एक काम है वो भी करना है। हाँ भाई कदीर, तो भाई चाय आ गई हमारी, ठीक है शफीक भाई को पिलाते हैं। इसकी चाय वैसे अच्छी है, आप जब भी हाँ, इसकी काका चाहिएगी ना, मिडवे बी में काका चाय, ये बहुत ही, ये कोई आज का चाय वाला नहीं, ये बहुत पहले के जो है। अच्छा पहले बैरिया ने ये एक पॉलिसी लगाई थी, आप बाहर नहीं बैठ सकते ना, आप सिर्फ अंदर बैठ सकते हैं, तो इतना माहौल नहीं होता था। अभी बैरिया ने जब अलाउ किया कि आप बाहर बैठ सकते हैं, तो लोग आते हैं, एक चाय बहाना होता है, चाय हर किसी को पसंद नहीं है, जैसे हमारे शफीक भाई हैं, इनको चाय पसंद नहीं है। मुझे पसंद है, पसंद है, अच्छा पीता है, इनको पसंद है, लेकिन मुझे चाय, झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो, पसंद नहीं, मगर ये है कि चाय एक बहाना होता है, बंदा बैठ जाता है, गपशप कर लेता है, बातचीत कर लेता है ना, कैसा शफीक? बिल्कुल ऐसी, मैंने इनकी पहले भी चाय पी है, मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह, और आप आज भी आए हुए हैं दोस्तों के साथ, पीते हैं चाय फिर मिलते हैं। हम लोग पहुंच गए, मेरी तो गाड़ी यहीं छोड़ के गए थे, कदीर वाली गाड़ी लेके गए थे, फ्लैग पोल से चाय वाय पी के हम लोग आ गए, कदीर जा रहा है बस वापस, इंशाल्लाह अभी चलते हैं ऑफिस, अब हफ्ते को क्लास है ना अपनी, हां इंशाल्लाह सैटरडे को साथ फिर भी मिलते रहेंगे, शफीक से तो मिलता रहता हूं, वो तो मुलाकात ही है, शफीक तो मेरे साथ ही जा रहा है अभी, सही है, आप इसके साथ जाओ, मैं भी चलता हूं अभी, ठीक है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलो ठीक है, चले शफीक, ठीक है चलते। ऐसा है कि हम लोग फ्री हो गए, थोड़ा काम था इम्तियाज में, मैंने कहा शफीक मैं इम्तियाज ही चलो, कदीर तो भाग गया वहाँ पे, कह रहा मेरे को जाना अपने ऑफिस, तो मैंने चलो भाई तुम जाओ, सुबह से वो गया भी नहीं था, वो छुट्टी करके बैठा था घर पे अपने, तो अब सीन ये कि भाई शफीक को हमने साथ लेके गए, काफी टाइम हो गया, शफीक को अब उतारते हैं यहाँ पे, टावर 20 पहुंच गए हम लोग, तो शफीक को उतारते हैं, तो अब इंशाल्लाह। हाँ शफीक भाई, आज यूनिवर्सिटी का ऑफ भी था, तो घर में बोर हो रहे थे, तो सारा दिन मैंने कदीर और मनान भाई ने एंजॉय किया, घूमे, फ्लैग पोल पे भी गए, खाना खाया, चाय पी, फिर लास्ट में भी इम्तियाज, मजा आया काफी, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया आज हमने, तो आगे भी व्लॉग्स आएंगे, तो देखिएगा, स्टे कनेक्टेड, एंड तब तक अल्लाह, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई शफीक, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट लाजमी करें।